गजानंद यादव, आप लोगों को ये ध्यान देना है कि पीछे की बाइकें दोनों तीन लाइन में हो। विनय मिश्रा, आदरणीय कुलदीप तिवारी जी, दोनों की लाइन बन चुकी है या नहीं? इंकलाब, इंकलाब। चलिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, पीछे ट्रैफिक हो रहा है, ट्रैफिक ना होने पाए हमारा उद्देश्य। दो दो की लाइन में चलेंगे तो ट्रैफिक नहीं होगी, कृपया सब दो दो की लाइन में चलें। आज 23 मार्च शहीद सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम सिर्फ एक फाउंडेशन के लोग, संग्राम फाउंडेशन के लोग मना रहे हैं, क्यों नहीं ये पूरे देश में मनाया जाए? क्योंकि आपको भी पता है कि इस देश को आज़ादी जो दिलवाई है, जैसे लोगों की मान्यता है कि कुछ लोगों ने बोला कि नहीं चरखा चलाने से आज़ादी मिल गई, चरखा चलाने से आज़ादी मिली अगर होती तो मेरे ख्याल से फिर इन क्रांतिकारियों की जरूरत नहीं पड़ी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये जो क्रांतिकारी थे 23-24-25 साल की उम्र में, मंगल पांडे, चाफेकर बंधु, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अंग्रेजों को यहाँ पे मारा, उनके मन में कहीं ना कहीं भय हुआ तो यहाँ से उन्होंने देश को छोड़ा हुआ है। इन क्रांतिकारियों को उचित सम्मान दिलाने के लिए, उन्हें ऑफिशियली शहीद का दर्जा दिलाने के लिए, ताकि आने वाली जनरेशन उनको याद रखे, इसके लिए अभियान हम चला रहे हैं। और इसमें हमारे प्रेरणा स्रोत हैं माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब, हमारे मार्गदर्शक हमारे पितामह जी मुकेश खन्ना जी, इनके सहयोग से हम ये अभियान हम चला रहे हैं। थाना के हमारे अध्यक्ष हैं हमारे रविंद्र प्रजापति सर, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हमारे श्याम पांडे सर, हमारे मित्र सचिव दीपक त्रिपाठी जी, हम सब लोग मिलके इस अभियान को हम लेके जा रहे हैं। और हमारी ये दृढ़ता है कि जब तक इस अभियान को हम सफल नहीं कर लेंगे तब तक हम मानेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।